देवरिया में 2 अक्टूबर को हुए हत्याकांड को लेकर रोजाना बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस घटना से जुड़ा हर अपडेट हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं। देवरिया में हुए कत्लेआम की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस लगी हुई है। अब तक जो सामने आया उसके मुताबिक प्रेम यादव की हत्या के बाद ये कत्लेआम शुरू हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्रेम यादव को किसी का फोन आता है और वो आनन फानन में घर से निकल जाता है, लेकिन उसके कुछ देर बाद उसकी मौत की खबर आती है। प्रेम यादव की हत्या की खबर मिलने के बाद यादव परिवार सत्य प्रकाश दुबे के घर पहुंचा और पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। क्या ये सच है? क्या प्रेम यादव को हत्या से पहले फोन आया था? क्या प्रेम यादव को किसी ने फोन करके बुलाया था? प्रेम यादव की पत्नी और बेटियों के दावे में कितनी सच्चाई? ये वो सवाल है जिनका जवाब ऐसा लग रहा था कि हमें मिल चुके हैं। प्रेम यादव की पत्नी और बेटियों की ओर से फोन आने के दावे को भी सच मान लिया गया, लेकिन असल कहानी इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि ये दावे बेबुनियाद है। पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत लगा है जिसने इस पूरे केस की दशा और दिशा ही बदल ली है। जी हाँ, पुलिस के हाथ प्रेम यादव की कॉल डिटेल आई है। पुलिस को मिली कॉल डिटेल के मुताबिक ये पता चला है कि 1 अक्टूबर की देर रात से 2 अक्टूबर की सुबह तक प्रेमचंद यादव के मोबाइल पर किसी का फोन नहीं आया। गौरतलब है कि यही वो समय है जिसके बीच में प्रेमचंद की हत्या हुई। बता दें कि पुलिस प्रेमचंद यादव का फोन तो अभी तक बरामद नहीं कर सकी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने प्रेमचंद यादव के फोन का कॉल डिटेल निकलवाया है, जिससे ये पता चलता है कि घटना के समय प्रेमचंद के मोबाइल पर किसी का फोन नहीं आया था। प्रेमचंद यादव स्वयं लेहड़ा टोला सत्य प्रकाश दुबे के घर पहुंचा था, जहां जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी हुई, फिर दोनों पक्षों में मारपीट हुई जिसमें प्रेमचंद यादव की मौत हो गई। जब इसकी जानकारी यादव परिवार को मिली तो वे बदले की आग में सत्य प्रकाश दुबे के घर पहुंचे और वहां जो मिला उसे मौत की नींद सुला दिया। देवरिया में हुए इस हत्याकांड में पुलिस अब तक 21 आरोपितों को जेल भेज चुकी है, जिसमें प्रेमचंद यादव के पिता राम भवन यादव, छोटे भाई रामजी यादव और प्रेमचंद यादव का ड्राइवर व दाहिना हाथ नवनाथ मिश्रा उर्फ पट्टू भी शामिल है। प्रेमचंद यादव के ड्राइवर नवनाथ ने तो पुलिस को जो बताया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 2 अक्टूबर को सत्य प्रकाश दुबे के घर क्या कुछ हुआ नवनाथ उर्फ पट्टू ने पुलिस को सब बता दिया। नवनाथ ने पुलिस को बताया, प्रेम की हत्या के बाद सभी के सिर पर खून सवार था। खून इस कदर सवार था कि सोच कर गए थे कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। जब मौके पर पहुंचे तो प्रेम जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। ये देखकर सीने में ज्वाला भड़क गई, फिर तो जो मिला उसे मार डाला। भीड़ दुबे परिवार पर टूट पड़ी, जो जहां मिला उसे मारना काटना शुरू कर दिया। नवनाथ ने पुलिस को आगे बताया, उसने जमीन पर गिरे सत्य प्रकाश दुबे के सीने में राइफल से गोली मार दी। सलोनी को घुटने पर और गांधी को हाथ पर गोली मारी। गुस्साई भीड़ ने सत्य प्रकाश दुबे की पत्नी किरण को पीट पीट कर मार डाला। ये देख अनमोल वहीं घायल अवस्था में बेहोश हो गया था। सभी को विश्वास हो गया कि पूरा परिवार खत्म हो गया। सलोनी थोड़ी देर जिंदा थी, लेकिन बाद में वह भी शांत हो गई। इसके बाद सभी हमलावर मौके से भाग गए। आपको बता दें कि देवरिया में सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के 5 लोगों समेत कुल 6 लोगों के मारे जाने के मामले में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही थी। इस मामले में SDM और CO स्तर के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई, जबकि अब एक और पुलिस अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।